ऋषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे 8 मार्च को पूरी दुनिया में आयोजित की गई रैलियां और सौंपे गए ज्ञापन। रंग अवधूत से किसी ने पूछा कि महाराज आप इतने महान कैसे बने, इतने ऊंचे संत, ऊंचे दर्जे के कैसे बने? बोले भाई मैं संतों का जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते मेरा हृदय भी संत हो गया, संतों के जीवन को, संतों के उपदेश को विचारते विचारते मेरा मन भी संत बन गया, श्री राम। बारंबार स्वाध्याय, अच्छे पुस्तक पढ़ना, उससे भी मन कुछ अच्छी यात्रा करना। संत एकनाथ जी ने क्यों कहा हरि तेथे संत, संत तेथे हरि। ये क्या हम अपने बलबूते पर आप लोगों को इतना एकत्रित कर रहे हैं? नहीं नहीं, सतगुरुओं का संकल्प, महापुरुषों की प्रसादी, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। ये मेरे गुरु का प्रसाद, मेरे गुरु की करुणा है। मनुष्य के जीवन में से सत्संग निकाल दो तो मनुष्य जैसा दूसरा कोई दुखी प्राणी नहीं। घोड़ों को, गधों को, कुत्तों को, बिलों को बेटी की शादी की चिंता नहीं होती, मनुष्य को होती। और प्राणी माँ बाप का सेवा आदर नहीं करे तो उनको पाप नहीं लगेगा, मनुष्य अगर माँ बाप की सेवा आदर नहीं करता तो उसको पाप लगता है। तो इतने नियमों से बंधा हुआ जीवन फिर भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसको सत्संग है और ये अपने जीवन का बुद्धि का बुद्धिदाता को पाकर ऐसा सर्जन कर सकता है कि सर्जनहार का साक्षात्कार करके अमर पद को पाकर अमर लाल हो सकता है। त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रैगुणा भवा अर्जुन। कृष्ण ने कहा अर्जुन ये जो लौकिक व्यवहार वैदिक है वो तीन गुणों के अंदर है, लेकिन तुम तो तीन गुणों को सत्ता देने वाले उस सच्चिदानंद मुझ चैतन्य आत्मा में स्थिति करो। और क्या है राम शब्द का सही अर्थ व प्रभाव? हनुमान जी ने राम जी के दरबार में कैसे खोजी सेवा? और इस बार योगासन में जानिए मंडुकासन की विधि व लाभ। और क्या है इस महीने की पुण्यदाय तिथियां व पर्व? और दिल्ली की रोजी अरोड़ा के हाथ कौन सा लगा ऐसा ब्रह्मास्त्र जो गायब हो गई उसकी सारी बीमारियां? और क्यों होना पड़ा औरंगजेब को नतमस्तक निपट निरंजन महाराज जी के आगे? तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में। ईश्वर करे कि आपकी ईश्वर में प्रीति बढ़ती रहे, भगवान करे कि आप भगवान के नाते ही जिए, भगवान के लिए ही हंसे, भगवान के लिए ही रोए, भगवान के लिए ही खाएं, भगवान के लिए ही आए और भगवान के लिए ही जाएं। भगवान करे कि आपकी चेष्टा में भगवान की महत्ता बढ़ जाए, बस इतनी प्रार्थना है।